नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, नवंबर के 23 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। 6 अम्बेसडर्स जो है अनेक देशों का बीते हुए बुध को अपना खलोस ब्रीफन पेश किए हैं प्रेसिडेंट देसी बौद्ध को, इसी उम्मीद के साथ कि उनका संबंध दोनों देशों के दरमियान बना रहेगा या बनेगा। और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये है इन देशों के अम्बेसडर्स है कुबा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, शेखिया, यूरोपीय यूनियन और पोर्तुगाल के। इन 6 देशों का जो अम्बेसडर है ये सब अपना खलोफ स्प्रीफन बीते हुए बुध को प्रेसिडेंट देसी बौद्ध को पेश किए हैं। वैसे अम्बेसडर ये बताते हैं कि ज़्यादा बात नहीं हुआ है प्रेसिडेंट देसी बौद्ध से, लेकिन जितना हुआ है तो लोग बात किए हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर अशांति और शांति के बारे में। और वैसे लोग मदद करना चाहते हैं, इकोनॉमी का मदद करना चाहते हैं और ऑन्टविकलिंग्स प्रोजेक्ट यहाँ पर किया जाएगा सूरीनाम देश में दूसरे देशों के साथ मिलकर जनता के फायदे में। कुबा का जो अम्बेसडर है इहोर गोंजालेस ये कहते हैं कि गौर किया जाएगा जो हालात है इस वक्त रेखियों में और ख़ासतौर पर चिंता के बात है जो बोलिविया और शिली इन दोनों देशों का हालात है, इस पर लोग गौर भी करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और लोग चाहते हैं कि जो मामला है इन दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए आपस में लोग बातचीत करेंगे। वैसे इसके लिए भी पुकार किया गया है शांति बनाए रखने के लिए, और भी बातचीत हुआ है खुसोंथेट सेक्टर के बारे में, इसी क्षेत्र पर भी दोनों देशों के बीच काम होगा, एक साथ मिलकर दोनों काम करेंगे और मुमकिन है कि कुछ और कुबा का डॉक्टर सूरीनाम देश में आएगा। ब्रूस लेंडन जो ऑस्ट्रेलिया का नया अम्बेसडर होगा, इन्हें यकीन है कि दोनों देशों का जो संबंध है ये और मजबूत होगा क्योंकि दोनों देशों एक साथ मिलकर भी काम किए हैं इंटरनेशनल और खनी साजिस में। जापान का जो अम्बेसडर है तत्सुयो हिरायामा ये कहते हैं कि ये इकोनॉमी से सामवर्किंग जो है इकोनॉमी से क्षेत्र पर काम करना चाहते हैं, संबंध और मजबूत बनाना चाहते हैं और भी कल्चर संस्कृति के क्षेत्र पर एक साथ मिलकर सूरीनाम देश के साथ लोग काम करना चाहते हैं। एक हिस्सा स्वार्टनहोफन ब्रोकस्ट्रात का जो कितने दिनों से बंद था क्योंकि यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था, और ये हम उस हिस्सा के बात करते हैं मोलनपात और लिमसख्राख्त के बीच, बीते हुए बीफे के सुबह 8 बजे से फिर यातायात फिरकेर के लिए खोला गया है। ये बदलाव जो आए हैं फिरकेर स्थितिवासी में कुछ बदलाव आए हैं, और पुलिस कमिश्नर स्टैनली शंगूर हमें ये बताए हैं कि जो फिरकेर जो लिंकर रेस रोग फनतो खरास्त्रात से आते हैं उन लोगों को मोलनपात में मोड़ लेना है, और जो लोग रेख्तर स्ट्रोक से गुजरते हैं इन लोगों को रेख्तोर जाना है या लिमसख्राख तक इन लोगों को रेख्तोर जाना है। वैसे मोलनपात ये फिर एक 2 रिक्टिंग्स वेग हो गया है, इससे पहले ये 1 रिक्टिंग्स वेग था एक हिस्सा, और अफीजाबास्त्रात भी जो 1 रिक्टिंग्स वेग था ये भी फिर से खोला गया है यातायात के लिए, ये फिर से 2 रिक्टिंग्स वेग हो गया है। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध जो है ये बातचीत किए हैं बर्बेडस का प्रमेय मिया मोटली के साथ, दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी लगाए थे बीते हुए मंगल को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर काफ़ी बातचीत हुआ है किसानों जो बर्बेडस का है। यह बातचीत हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कि किसानों जो बर्बेडस का है इन लोगों को सूरीनाम देश में ज़मीन दिया जाएगा, लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टेरिंग कर सकते हैं। बर्बेडस का जो प्रमेय है मिया मोटली ये कहते हैं कि सूरीनाम देश से जब वापस अपना देश जाएगा तो वहाँ पर लोगों को ये इतला करेंगे, लोगों से ये बताएंगे और ये देखा जाएगा कि कौन से किसानों हैं जो आना चाहते हैं यहाँ सूरीनाम देश में काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के वास्ते। वैसे ये भी कहा गया है कि ख़ासतौर पर लोग ध्यान देना चाहते हैं ग्रोटस्टाल खतील फन ब्लैक बेलिस खापन यानी भेड़ा पोसा जाएगा बड़े तादाद में, और ये भेड़ा जो है ये बर्बेडस से लोग लाएंगे, और भी आक्वा कल्चर पर लोग गौर करने वाले हैं, मछली के कारोबार लोग यहाँ पर करने वाले हैं।
स्टार्ट फास में 25 किसानों को मौका मिलेगा यहाँ पर आकर काम करने को, और एक्वाकल्चर ये एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट के वास्ते लोग 12 से लेकर 15 लोग जिन्हें दिलचस्पी है इसमें, इन लोगों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ सूरीनाम देश आने के वास्ते। पहला फास में बताया गया है कि मछलियाँ और सब्जी लगाने में और भी भेड़ा पर गौर किया जाएगा, और बाद में फिर देखा जाएगा और प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा या नहीं। सूरीनाम देश के तरफ से इन किसानों को जो लोग यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तवायारी पर ज़मीन दिया जाएगा। प्रेसिडेंट देसी बाउतशे ये भी कहे हैं कि जो ब्रोकोपोंडो का ओली पालम अन प्लांट था ये ज़मीन पर भी लोग जाकर खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन जो इन लोगों को दी जाएगी यहाँ पर काम करने के लिए और इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये इन लोगों का नहीं होगा, ये सूरीनाम देश का ही रहेगा। बारबाडोस का जो प्रमेय है ये कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये फुटसेल इम्पोर्ट जो है कम करने के वास्ते बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोड्यूसर करें और प्रोडक्सी सेक्टर को बरंटी में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कारिकॉम देशों में बहुत से ऐसे देश हैं जो फुटसेल इम्पोर्ट करते हैं, मतलब खाने पीने के सामान और खाना लोग इम्पोर्ट करते हैं और इसको लोग कम करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट बाउतशा ये भी कहे कि सूरीनाम गुयाना और बेलीज़ में काफ़ी ज़मीन है जहाँ पर लोग खुद खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है खेती बाड़ी के अलावा लोग भी यहाँ पर लोग यहाँ पर जानवरों को रख सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं रहेगा बाहर देश से गोश्त इम्पोर्ट करने के वास्ते, और यही दोनों देश एक साथ मिलकर करना चाहते हैं। ये भी कहा गया है कि ये फुटसेल सेकर है जो है कि हमेशा खाना और खाने पीने के सामान ये कारावी से लंदन में कारिकॉम ब्लॉक में रहे, इस पर लोग गौर करना चाहते हैं। ये भी कहा गया है कि कैपोफ्लेस यानी मुर्गी का गोश्त खास तौर पर अमेरिका फ्लोरिडा से लोग इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक मिसाल एक उदाहरण एक फोर बिल दिया गया है कि जब कभी फ्लोरिडा में एक ऑर्कान आएगा मतलब तूफान आएगा, तो मतलब ये है कि ये इम्पोर्ट में रुकावट आएगा, और इससे अगर एक ही दम इसमें रुकावट आएगा तो कारिकॉम के देशों जो इम्पोर्ट करते हैं ये गोश्त इन लोगों पर काफ़ी असर होगा और लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग खुद यहाँ पर प्रोडक्सी में हाथ बटाए और ख़ुद ये जो काम है यहाँ अपने देश में करें। वैसे ये भी कहा गया है कि ये इम्पोर्ट में लगभग सालाना एक साल में लगभग 5 मिलियन US डॉलर खर्चा होता है, और ये 5 मिलियन US डॉलर पैसा जो है ये दूसरे चीज़ों में लगाया जा सकता है देश में बढ़ंती लाने के वास्ते। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉर स्ट्रीफ इन द हेयर फॉर्मिंग्स पार्टी जो है ये सब एक खत भेजे है सीईओ और प्रेसिडेंट ओपेनहाइमर फोन्स के पास, क्योंकि ये सुनने में आया है कि सूरीनाम देश जो है ये सब एक ओवरब्रुकिंग्स लेनिंग कर्जा लेना चाहते हैं 150 मिलियन US डॉलर का, और इसके लिए डिविडेंड बतालिंग जो है स्टार्स ओली का, रॉयल्टीज आईएम गोल्ड का, और स्टार्स इनकॉम्सन जो है फेरकोप एनर्जी से लोग उंदरपान देने वाले सुरक्षा के तौर पर देने वाले हैं। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी इस खत में इस बारे में लिखे और ये भी बताए हैं ओपेनहाइमर को या ओपेनहाइमर फोन्स को कि लोगों को ये देखना चाहिए कि ये कर्जा कैसे चुकाया जाएगा या ऑफलोसिंग्स ऑप्शंस क्या है, क्योंकि पहले से सूरीनाम देश कितना कर्जा ले चुके हैं। ये भी लोग कहा है कि इस पर गौर करना चाहिए कि अभी हाल ही में यह वेथ ऑफ द स्टार्स को बदला गया है, और इस बात से भी वाकिफ होना चाहिए लोगों के कि सूरीनाम देश में सिर्फ 2 या 3 बदरेफ हैं जिससे फ्रेम द फालूता में आमदनी सरकार को अंदर आते हैं, और फिनाशियल जो तुस्तान सूरीनाम देश का जो फाइनेंशियल हालात है ये उतना ठीक नहीं है। पहले से लेनिंग प्लाफोन का उल्लंघन किया गया है, ज़रूरत से ज़्यादा कर्जा लिया गया है, और ये न सिर्फ विदेश में लेकिन देश में भी बहुत से ऐसे कर्जा लिया गया है। इस बारे में लोग खत में लिखे हैं और ये भी बताया है कि मिनिस्टर हुफ्द्रा जो फिनंसियन का मिनिस्टर
नजर है। लोग पेही से वहां पर गुजारिश किए थे खोजबीन करने के लिए कि ये कोई बेकानूनी काम, कोई गलत काम किए हैं या नहीं, और जबकि ये छानबीन जारी था तो लोग वेब ऑफ द स्टार्स को बदल दिए है और ये जो लेनिंग ऑफ प्लाफोन जो है लोग और ऊंचा कर दिए है और जो स्ट्रफ व पालिंग था वेब स्टार्स के ऊपर लोग इसमें निकाल दिए है कि किसी को अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कर्जा लिया जाएगा तो इसको सज़ा हो सकता है। तो ये स्ट्रफ व पालिंग ये सज़ा भी वेब में से निकाला गया है। इस बात ये तमाम बातें जो है ये लिखा गया है इस खत में जो फेहा पे पॉलिटिकल पार्टी भेजे है ओपनहाइमर के पास। ये ओपनहाइमर के जो ये ओवरब्रुकिंग्स लेनिंग सरकार लेना चाहती है $150 मिलियन का, इसी सिलसिले में स्टार्स ओली में पर्सोनेल वहाँ का और स्टाफ भी अपना आवाज़ उठाए हैं। लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और जानकारी चाहते हैं। इसका कोई असर नहीं होगा ये कहा गया है कि इस पर्सोनेल पर और वहाँ इस ड्राइव पर स्टार्स ओली पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ का जो फोर्सेटर है वर्क नेमर्स बॉन्ड का लॉयड रीड, स्टार्स ओली वर्क नेमर्स बॉन्ड का फोर्सेटर है, ये कहते हैं कि अगर ये कर्जा लिया जाएगा तो देश के लिए बहुत भयानक साबित होगा, एक नचुनाल रंप होगा। पैसा नहीं है, बखरोदिंग जो भी हाल ही में खुद क्यों हुआ है इसके लिए पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है इसका मतलब ये है कि जब लेनिंग लोग लेंगे तो इसका मतलब ये है कि बखरोदिंग के वास्ते पैसा नहीं है, और ये मुश्किलात न सिर्फ फकबेहिंग का होगा लेकिन ये पूरा बदरेसलीफन एनजीओस और भी आम जनता के लिए ये इस लोगों पर भी असर होगा, इसका असर आम जनता पर भी होगा, ये फकबॉन्समान जो है स्टार्स ओली का कहे है। Studenten jo pre-bachelor programma Akademische Leraren opleiden ALO के लिए अपना नाम लिखवाए थे, ये सब अपना आवाज़ उठाए क्योंकि ये सब समस्या जो इस वक्त चल रहा है ALO opleiding पर, यहाँ पर इस समस्या से लोग खुश नहीं है। पहले ये बॉन्डफाइन लेरारन था या ये बॉन्डफाइन लेरारन जो है बॉन्डफाइन लेरारन ये जो फकबॉन्स ऑर्गेनाइजेशन और ALS के साथ ये स्टूडेंटन जो है ये सब अपना आवाज़ उठाए हैं, एक साथ मिलकर कुछ सवाल किए हैं या अपलाइडिंग के सिलसिले में। ये ALO पहले EOL था, अब ALO है। ये इंस्क्राइब किए हैं लगभग 500 स्टूडेंटन अपना नाम वहाँ पर लिखवाए हैं और 1250 SRD लोग पैसा अपलाइडिंग के लिए इंस्क्राइब खाल भरे हैं, लेकिन अब ये पता चला है, पहले से लोगों को नहीं पता था, नहीं बताया गया है, लेकिन स्टार्ट किक ऑफ जब हुआ है या अपलाइडिंग का 4 नवंबर को, तब ही लोगों को पता चला है कि यह अपलाइडिंग सेल्फ स्टडी है और ऑनलाइन स्टडी है, एक तरीका का जो पढ़ाई है जो सूरीनाम देश में लोग इससे ज़्यादा तौर पर वाकिफ नहीं है, लेकिन पहले से ये स्टूडेंटन को ये बात नहीं बताया गया था। स्टूडेंटन का ये मानना है, ये कहना है कि ये लोग इस तरीका से इसके खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ लोग नहीं है, लेकिन इन लोगों को पहले से ये जानकारी मिलना चाहिए था कि ये ऑनलाइन स्टडी और सेल्फ स्टडी है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी और सेल्फ स्टडी के लिए लोगों को वाईफाई इंटरनेट की ज़रूरत है और लोगों को भी एक लैपटॉप यानी एक कंप्यूटर की ज़रूरत है जो बहुत से स्टूडेंटन के पास नहीं है और लोगों के पास पैसा भी नहीं है ऐसा एक लैपटॉप खरीदने के वास्ते। ये ऑपलाइडिंग पर लोगों से कहा गया है लैपटॉप खरीदने के लिए, लेकिन स्टूडेंटल इस पर कटास करते हैं, लोग अपना आवाज़ इस पर उठाए हैं। इन लोगों का मदद BFL और ALS करते हैं और लोग 27 नवंबर तक मिनिस्टेरी फन ऑन दर वेस को मोहरत दिए है इस बारे में, इस मामले के बारे में इन लोगों से आकर बातचीत करने को, लोग और जानकारी चाहते हैं और खुलासा चाहते हैं इस मामले के बारे में। मतलब यह है कि ALO अपलाइडिंग अभी हाल ही में शुरू हुआ है और यहां पर मुश्किलात भी शुरू हो गया है। आने वाले सोमवार नवंबर के 25 तारीख सूरीनाम देश 44वीं स्वतंत्रता का दिन यानी आज़ादी का दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस दिन 25 तारीख नवंबर को सूरीनाम देश
44 साल होंगे आज़ाद हुए हैं। तो इसी मौके पर यह आज़ादी का दिन इस साल मुंगो में मनाया जाएगा। डेफिले, पराद इत्यादि सभी जश्न जो है ये सब मुंगो में रहेगा प्रोग्राम। और पिछले हफ्ता हम आपको बता चुके थे यह प्रोग्राम के बाद प्रेसिडेंट देसी बौद्ध फर्स्ट लेडी के साथ और एक पूरा तेल खादसी के साथ ये दिन स्ट्रेस पर जा रहे हैं शीना की तरफ। 44वीं साल है और 44वीं दिन आज़ादी दिवस के मौके पर सूरीनाम देश के हर एक बाशिंदा को हम बहुत से मुबारकबादी पेश करते। एक लॉन्ग वीकेंड है, सोमवार के दिन है, ये छुट्टी का दिन है। सूरीनाम देश में एक नेशनल फ्राइडे है, तो ज़रूर आप हर एक को बहुत से मुबारकबादी बधाइयाँ हम पेश करते हैं 44वीं के उपलक्ष्य पर। यह आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।